यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जोशीमठ में विदेशी पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। जोशीमठ में फूलों की घाटी का दीदार अब तक कुल 403 पर्यटकों ने किया है। आज 19 भारतीय और एक विदेशी महिला पर्यटक ने फूलों की घाटी का दीदार किया है। इससे पहले 383 पर्यटक फूलों की घाटी का दीदार कर चुके हैं। दीदार की वजह से पार्क प्रशासन को आर्थिक रूप से काफी फायदा हो रहा है। अगर इस फूलों की घाटी की बात करें तो ये घाटी दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां 500 से ज्यादा प्रजाति के फूल खिलते हैं। तो फूलों की घाटी में लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना काल है, ऐसे में कुछ संख्या कम जरूर है, लेकिन अब तक 403 विदेशी पर्यटक फूलों की घाटी में पहुंचे हैं। आज 19 भारतीय और एक विदेशी महिला फूलों की घाटी पहुंची है। इस वजह से जो प्रबंधन है उसको काफी फायदा हो रहा है। और रुड़की से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में पुलिस अफसरों को जांच के आदेश दिए गए। अपहरण के मामले में फरार चल रहा था यह युवक, और अब इसकी पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में अफसरों को जांच के आदेश दिए गए। अपहरण के एक मामले में यह युवक फरार चल रहा था। हरिद्वार के कनखल थाने में मृतक पर मुकदमा दर्ज था। विनीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनीत, क्या जानकारी है इस मामले में? कस्टडी में जो युवक की मौत का ये मामला, इसमें जांच के आदेश दिए गए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पुलिस की कस्टडी में एक युवक की मौत का जो मामला है सामने आया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। लेकिन आपको बता दें कि जो ये युवक था, एक युवती के अपहरण के मामले में इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था, और जो युवक जिस क्लास में जो है पुलिस जो है इसको लेकर आ रही थी, तो उसी मामले में जो है इसकी मौत हो गई है। लेकिन मौत किन कारणों से ये अभी नहीं पता चल पाई, जांच के बाद पता चल पाएगा। तो फिलहाल जो पुलिस है और जो तहसीलदार है वो सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं और पंचनामा की तैयारी चल रही है। विनीत, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।